हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी जो भी बच्चे अभी तक सारथी सेकेंड सेमेस्टर के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं तो लेट मी टेल यू आपका समय निकलता जा रहा है तो सारथी जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि वो सारथी ज्वाइन करें क्योंकि यदि आपके दोस्त का भला होगा तो आपका भी भला होगा ठीक है दूसरों का भी भला करना सीखिए उसके साथ साथ आपके दोस्त के साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म का भी भला हो जाएगा और हम लोग और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आप सभी की मदद कर पाएंगे क्योंकि एज यू ऑल नो सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द टीचर्स इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट ही और सी इज़ हेल्पिंग तो हमारे लिए वही मोटिवेशन का सोर्स है हम जितने ज़्यादा बच्चों की मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन लेवल होता है तो साथ ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना बुलें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप का व्हाट्सअप ग्रुप के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है और टारगेट गुरुकुल ऐप तो कंपलसरी डाउनलोड कर लीजिए यदि आपके पास फंड्स नहीं है इस समय सारथी परचेज करने के लिए कोई बात नहीं बाद में आप परचेज कर लीजिएगा यदि आपके पास पेमेंट का मीडियम नहीं है तो किसी साइबर कैफ़े पर जा भी आप पेमेंट करवा सकते हैं आप अपने किसी दोस्त से पेमेंट करवा सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लेट मी टेल यू टारगेट गुरुकुल अभी कुछ दिनों के बाद फ्री टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाला है जो बच्चे ऐप पर सारथी परचेज किए हैं उनके लिए तो अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होंगी बीस पच्चीस हर सब्जेक्ट की हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सारथी को उनके लिए भी एक दो टेस्ट सीरीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि टेस्ट सीरीज़ बनाने में काफ़ी एक्सपेंस आता है उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए हम लोग आपसे बस दो सौ ही चार्ज कर रहे हैं दो इज़ वेरी नॉमिनल ठीक है तो बस दो सौ रुपये की बात है सारथी ज्वाइन कर लो यार हा? आप भी क्या नाम लेंगे कि क्या टारगेट सेमेस्टर ने हमको कंटेंट दिया था और क्या डाउट सॉल्व किया था वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट इसके पहले हमने सारी थीरीज देख ली हैं इस पूरे चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कौटिल्य कौटिल्य पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है तो एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ जो बच्चे सार्थी परचेज किए हैं उनको ये पी ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने दिख रहा है ये जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा उसके आधे से एक घंटे के अंदर आपके ऐप पे नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा सेम जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कौटिल्य जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कौटिल्य के विषय में कौटिल्य यानी चाणक्य के, के विषय में जिन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र पे तो आपको यदि डिस्कस करना है फॉर एग्जाम्पल यदि मिड टर्म में ये क्वेश्चन आ जाए और पिछली बार आया भी था यदि क्वेश्चन ये मिड टर्म में आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कौटिल्य तो आप कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कौटिल्य कौन थे तो कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य था वो एक एडवाइज़र हुआ करते थे ठीक है और इसके बाद से एक दिन उनके साथ बदतमीजी से पेश होता है एक राजा और उसके बाद से वो चंद्रगुप्त चाणक्य जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साम्राज्य को जब तक उखाड़ के फेंक नहीं देता हूँ और एक अच्छा शासक तुम्हारी जगह पर स्थापित नहीं कर देता हूँ तब तक मैं अपनी चोटी अपनी सिखा तक नहीं बांधूंगा उसके बाद से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा उसको तरासा और तराश कर इस लायक बनाया कि वो पूरे साम्राज्य को चलाया उन्होंने एक मौर्यन डायनेस्टी की भी स्थापना की ठीक है और उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य के बाद अलग अलग एम्प्रर्स आए जो उस पूरे मौर्यन डायनेस्टी को कंटिन्यू किए अब इसमें हमको कौटिल्य के बारे में लिखना है तो ये पूरी कहानी भी लिख सकते हैं इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र किताब लिखी है ये अर्थशास्त्र किताब तब तो आपको लिखना ही है लेकिन इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे सबसे पहले तो कौटिल्य थे कौन उनके विषय में लिख लेंगे उसके बाद से लिखेंगे अर्थशास्त्र बुक क्या थी और उस अर्थशास्त्र बुक में कौटिल्य जी ने किस किस चीज़ों के विषय में डिस्कस किया था जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे डेफिनेटली वो इस बात को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि कौटिल्य कौन थे और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किताब में किन चीज़ों के विषय में डिस्कस किया था तो कौटिल्य तो पता चल गया कौन थे अब इसके बाद अर्सास किताब में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है तो उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि किसी भी देश की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को कैसे सुधारा जा सकता है और ये पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारने के लिए हमको किन पहलुओं पर ध्यान देना होता है किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना होता है सो so दैट हमारे देश की पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस हम ठीक कर पाएँ तो ये तो कौटिल्य पे हो गया मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 से 12 लाइन का लिखना होता है पाँच नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा मिड टर्म में तो 10 से 12 लाइन आप लिख लेंगे और लिखने के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं उसके पहले जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया था उसके पहले हमने जो लेक्चर बनाया था लेक्चर नंबर वन आई थिंक उसमें ये डिस्कस किया गया था और जो सारथी वाले बच्चे हैं वो तो रीड भी कर सकते हैं उनके पास नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा दूसरा क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तीसरा क्वेश्चन है इसमें राइट अ सॉल्ट नोट ऑन डॉक्टर गैट गिल यहाँ पर यह क्वेश्चन नीचे प्रिंट होना चाहिए था लेकिन ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया कोई दिक्कत नहीं आप लोग समझ सकते हैं तो सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इकोनॉमिक थाट्स पे संक्षेप में अपनी बात लिखनी है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी चर्चा हमने की थी लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया कौन थे और इनका नाम इनके परिवार में ये जो लोहिया है ये कैसे जुड़ा है ये सब कुछ हम लोग डिस्कस किए थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो परिवार है वो कई वर्षों से हार्डवेयर के बिजनेस में था अब हार्डवेयर के बिजनेस में होने की वजह से इनके परिवार में एक लोहिया की उपाधि मिल गई थी इनके परिवार के सभी सदस्यों को लोहिया की उपाधि से जाना जाता था दूसरी चीज अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशंस के विषय में क्या बताया उनके क्या आर्थिक विचारधारा थे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकेंड लेक्चर में आई थिंक तीसरा है राइट अ शॉर्टमेंट ऑन डॉक्टर गैटगिल डॉक्टर गैटगिल के विषय में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे हमारे देश के जिन्होंने केवल ना कि ना ही इकोनॉमिक कंडीशन पे बल्कि इन्होंने पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस पे भी हमारी इकोनॉमी के डिस्कस किया था अगला है डिस्कस द मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी हमने डिस्कशन की थी कि उनकी पढ़ाई कैसे हुई थी वो किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक थाट्स हमारे देश के लिए रखते थे और हमारे देश के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की थी ये सब कुछ हम लोग देखे थे उसके आई थिंक सेकेंड या फिर थर्ड लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में आई थिंक और क्वेश्चन नंबर फाइव है डॉक्टर डिस्कस द मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ भीम राव अम्बेडकर तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे आई थिंक पिछले वाले लेक्चर में ही पिछले वाले लेक्चर जो डेडिकेटेड था केवल भीमराव राव अम्बेडकर के लिए तो ये भी आप देख सकते हैं पिछले वाले लेक्चर से आप रेफरेंस ले सकते हैं और जो बच्चे सारथी परचेज किए हैं उनको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा सारथी परचेज क्यों नहीं कर ले रहे हैं आप लोग ठीक है कर लीजिए परचेज दो सौ रुपये में क्या जाता है अगला है डिस्कस द नेहरूज आइडियाज रिलेटिंग टू सोशलिज्म नेहरू का समाजवाद के लिए क्या विचारधारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका हमारे देश में समाजवाद के प्रति क्या विचारधारा था समाजवाद क्या होता है सबसे पहले समाजवाद इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी सोशलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी विच ऑलवेज डिस्कस अबाउट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समाज कल्याण की बात की जाती है जिसमें हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उन सबके कल्याण की बात की जाती है तो नेहरू के क्या आइडियाज़ थे सोशलिज्म को लेके वो भी आप लोग देख सकते हैं पीपीटी में मिल जाएगा आपको आई थिंक सेकेंड लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं अगला एक्सप्लेन द आइडियाज़ ऑफ अंबेडकर अबाउट फेडरल फाइनेंस फेडरल फाइनेंस को लेके अंबेडकर के क्या आइडियाज़ थे तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि अंबेडकर जी कहते थे कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर खत्सा अच्छा तालमेल नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता है क्योंकि किसी भी जंजीर की हर एक कड़ी जब तक मजबूत नहीं होती तब तक वो पूरी जंजीर मजबूत नहीं हो सकती जंजीर की एक कड़ी भी यदि कमजोर है तो वो जंजीर मजबूत नहीं है वो पूरी जंजीर ही कमजोर है वैसे ही हमारे देश का यदि एक राज्य भी एक शहर भी एक गांव भी कमजोर है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा देश मजबूत नहीं है तो उन्होंने फेडरल फाइनेंस के विषय में क्या बताया था उन्होंने ये बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को रीजनेबल फाइनेंस एलोकेट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के समन्वय और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के समन्वय के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पर्टिकुलर जिडिड्रिक्शन में अच्छे से डेवलपमेंटल वर्क कर सके इसका भी हम लोग डिस्कशन किए थे और कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो थोड़ा सा क्रिएटिव क्रिएटिविटी उसमें आपको दिखानी पड़ेगी जैसे डायरेक्टली आपको फ्रेडरल फाइनेंस के विषय में नहीं मिलेगा जब आप पीपीटी देखेंगे एक मिनट स्टूडेंट्स सॉरी वो लाइट थोड़ी चली गई है इसी की वजह से हमारा चेहरा नहीं विजिबल है इस समय स्क्रीन पे बाकी लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू ब्रीफली द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ गोखले गोपाल कृष्ण गोखले जो भी जो ये भी हमारे देश के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने भी इकोनॉमिक आइडियाज दिए थे अपने हमारे देश के प्रति हमारे देश में किस प्रकार की आर्थिक स्थिति है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है तो इनके विषय में भी आपको लिखने के लिए प्रश्न आ सकते हैं देखिए मोस्ट प्रोबली आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो या तो आपको कौटिल्य पे मिलेगा या तो आपको भीमराव अंबेडकर पे मिलेगा ये दोनों बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं आप सभी लोगों को पता होगा तो मोस्ट प्रोब्बली यही से दोनों यही दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाकी आप लोग को तैयारी तो सारी की करनी है ठीक है और सो दैट्स ऑल लास्ट में हम जाते जाते आपको बता देना चाहेंगे कि साथ ही आपका लॉन्च हो चुका है और आप लोग देरी बिल्कुल भी ना करिए जो लोग अभी तक सोए हुए हैं लेट मी टेल यू अभी जग जाइए नहीं तो बाद में आप सारथी परचेज करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि इस समय आपके पास समय है आप सारथी परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक कॉम्पिटेटिव एज मिल सकता है आपको अपने कॉम्पिटिशन अपने इस सेमेस्टर के एग्जाम्स में तो देरी मत करिए और जो भी आपके दोस्त हैं जो बी या बी, -बी कर रहे हैं आपको बता दें बीबीए के लिए भी सारथी लॉन्च हो चुका है अगर बी का बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो आपको बता दिया जा बता देना चाहते हैं हम कि बी के लिए भी सारथी लॉन्च किया जा चुका है आप लोग बी बी सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी सारथी परचेज़ कर सकते हैं और जो बी के बच्चे हैं बैंकिंग फाइनेंस के बच्चे हों या फिर नॉर्मल बी के बच्चे हैं इन दोनों के लिए भी सारथी लॉन्च कर किया जा चुका है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में